क्लास हमारी चालू हो गई है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। कल चैप्टर स्टार्ट किया था सेलर, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेलर। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें दोस्तों। खेमपाल सर आ चुके हैं। ठीक, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करें। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का सवाल है पहला आपका, सरलीकरण। पहला सवाल आपका स्टार्ट करते हैं आज। सवाल कुछ इस तरह से है, 260 गुणा 31% गुणा एक्स बराबर 12,896। सुभाष, हेलो सर, कैसे हो भाई सुभाष? ठीक है, जल्दी से जल्दी दोस्तों से बोलो वीडियो लाइक करें। ठीक, और शेयर करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम आगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। आवाज आ रही है सुभाष? तो देखो दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बाई ऑप्शन कल जो बताया था उसी से करते हैं। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं आपके। कितने? पहला ऑप्शन है 150, दूसरा 140, तीसरा 160, चौथा 180। तो ये दोस्तों जैसे हमने कल बताया था, ठीक है, आगे बढ़। इसमें हमने करा 8, 2, 6 और 2 कितने हो गए? आंसर हो गया 6 और 2 कितने बचे? 8। ठीक, देखो दोस्तों, 8 चौक कितने हो गए? 32। 32 में कितने आ गए? 5। तो ये हो गया 5x = 8, यानी x बराबर हो गया 5, 8/5। अब देखो दोस्तों, नीचे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। आवाज अच्छी आ रही है? ओके सुभाष। ठीक है दोस्त, अभी लाइक बहुत कम हो रहे हैं, ओनली 3 या 4 लोग देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी वीडियो को शेयर करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा तो हमने देखा ऐसे 5 से गुणा, अगर 8/5 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लो, कर लो। तो ये हो गया हमारा कितना? 100/10। 10 का कितना बन गया? 1। 6 और 1 कितना हो गया? 7। यानी x का मान आ गया हमारा 7। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। रमेश पाल बहुत लेट आए भाई, कहां थे अब तक? भोला शंकर, प्रमोद, ओके थैंक यू। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें x का मान कितना आना चाहिए? 7। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये हो गया गलत। 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये भी गलत। 8 और 1 कितना हो गया? 9। ये भी क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर कितना बचा? 160। तो जी हाँ दोस्तों, इसका x का बराबर कितना आएगा? 160। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अनिल, काफी लेट आ रहे हो भाई, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो। ठीक है,
जल्दी से जल्दी दोस्तों से बोलो, खेमपा सर आ गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। ऐसे फिर समझो एक बार और, देखो इधर, 6 और 2 कितने हो गए 8, 3 और 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया x, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 से 9 छोड़ दो, 6 और 2 कितने हो गए 8, ये हमने देखा तो ये आ गया 8 चौक 32, 32 में कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 इधर जाएंगे कितने बटे में, तो ये हो गया 8/5, 2 से गुणा, 2 से भाग कर लो, क्योंकि नीचे हमें बनाना होता है 10, तो नीचे 10 बनाया, 5 दूनी कितने हो गए 10, ये हो गया 1, 1 को लिखते नहीं है, 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, नेम पाल सिंह कैसे हो भाई, नेम पाल सिंह, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल लिखते हैं, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया होने सही, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब तो दूसरा सवाल आपका कुछ इस तरह से है, सवाल मैं लिखता हूं बोर्ड पे, ये आपका 34025/2345 का मान कितना होगा, ऑप्शन में लिखता हूं, ये है 1.350, अगला है 1.235, अगला है 1.035, अगला है 1.225, ठीक है, करिए 30 सेकंड आपके मिल रहे हैं, ठीक है, करो। इससे कुछ मत करो तुम यार, कितना खराब हो रहा है, अभी तुम्हारा लाइफ बंद हो जाएगी। अरे ये प्रॉब्लम है। हाँ हुआ, अभी किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है, प्रमोद कुमार भाई आंसर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, नींद को भगाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं, देखो इधर 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 को कितना मानते हैं 0, कल मैंने बताया इसमें 9 का मान कितना होता है 0, तो रह कितना गया ऊपर 5, ऊपर हो गया आपका 5, इधर देखते हैं 5 और 4 कितने हो गए 9, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 से 5 कटा तो कितना आया 1, ये दोस्तों जिसने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी हो वो कल वाली वीडियो देख ले, जिससे ये चैप्टर आज का ज्यादा समझ में आएगा, अगर कल वाली वीडियो ना देखी होगी तो थोड़ा सा क्या आएगा कम समझ में आएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले अंकों का योग करा उसी प्रकार नीचे वाले अंकों का योग करा और एक आंसर आना चाहिए, अब ऑप्शन चेक करते हैं, देखो इधर 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 का मान कितना होता है 0, कैंसिल, 5 और 3 कितना हो गया 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 को कितना मानते हैं 0, कैंसिल हो गया, 4 और 9 छोड़ दो, कितना बचा 1, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, इसको चेक करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 में कितने आ गए 2, कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.225, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो हमने दोबारा समझते हैं इसको, 3 और 4 7, तो 9 को कितना मानते हैं 0 छोड़ दो, 5 का आ गया 5, 4 और 5 कितने हो गए 9, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 से 5 कटा तो कितना आ गया 1, ठीक, इसमें हमने देखा कि ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए 1, तो हमने देखा यहाँ 9 आया गलत हो गया, 2 आया गलत हो गया, 9 आया गलत हो गया, आंसर कितना बचा 1.225, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला सवाल लिखते हैं, तीसरा सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने दिया आपको
इसके ऑप्शन ये है, करिए जल्दी, ठीक है, 46, 45, 600, अगला है 46, 45, 641, अगला है 46, 45, 645, अगला है 46, 45, 645, ठीक। करिए 30 सेकंड में आपको देता हूं, ठीक है। तो हमने देखा 4 और 5 कितने हो गए, 9, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 6 कितने हो गए, 21, 20 और 1 कितना हो गया, 21, 21 में कितना आ गया, 3, इसी प्रकार इसको भी जोड़ा तो कितना आ गया, 3। देखे हमने दो ऑप्शन, तो हमने देखा पहला वाला मेथड से आपका सवाल का आंसर नहीं आएगा, क्यों, इसमें आज जो आंसर है सुभाष वीडियो खराब हो रही है। अच्छा चलो देखते हैं अभी, ठीक है, अब कैसे आ रही है प्रमोद, वीडियो चल रही है, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इसके दो अंक कितने हैं, 11, इसके दो अंक 11, तो इनको हमने लास्ट के दो अंकों को उठा लिया, ये हो गया लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 11 गुणा 21 गुणा 11, इनकी हमने गुणा की तो कितना हो गया 121, 11 की 11 से गुणा की तो कितना हो गया 121, और गुणा कितना चल रहा है 21, यहां से लास्ट दो, यहां से लास्ट दो, 21 21 की गुणा की तो कितना हो गया 441, यानी अंतिम अंक कितने आने चाहिए 41। तो देखो दोस्तों यहां कितने 61 गलत हो गया, यहां कितने 45 गलत हो गया, यहां कितने 45 गलत हो गया, आंसर कितना बचा आपका, आंसर कुछ इस तरह से बचा 46, 45, 661, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब कैसी आ रही है आवाज और वीडियो, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, सुभाष फ्लैश ऑन करने से वीडियो और खराब होगी, ठीक है, बाकी अब वीडियो में सोचता हूं सही आ रही होगी, आवाज भी साफ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं सवाल, अगला टाइप, जैसे अगला सवाल मैंने देखा इसमें, ठीक है, तो सवाल मेरा कुछ इस तरह से है कि 14 का घन कितना होगा, 14 का घन क्या होगा, ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, पहला ऑप्शन आपका है 22, 44, दूसरा ऑप्शन 23, 44, तीसरा ऑप्शन 27, 44, चौथा ऑप्शन 28, 44। करिए दोस्तों 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं, करो। देखो जर 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 का घन करा तो कितना हो गया 125, 125 में अंकों का योग कितना आ गया 8, यानी हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए 8। इधर देखते हैं 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 में कितना आ गया 3 गलत हो गया, 4 और 4 8 और 3 11 और 2 कितने हो गए 13 में कितना आ गया 4 गलत हो गया, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 4 18 में कितना आ गया 9 गलत हो गया, आंसर आपका कितना होगा 7 और 2 9, 9 को मानते हैं 0, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो आंसर हमारा कितना आ गया 27, 44। जी हाँ दोस्तों यही आपका क्या होगा आंसर। रमेश पाल गुड, सुभाष वेरी गुड, किशनवीर बढ़िया, ठीक है, इसी प्रकार आंसर दिया करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है,
कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जिससे सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आया करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, कल मैंने जो बताया था बॉर्ड मास, ठीक है, बॉर्ड मास के क्रम पे हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम क्या, कल का मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। रेखा कोष्टक, इसे बोलते हैं छोटी, इसको बोलते हैं मझली, इसको बोलते हैं बड़ी, फिर ऑफ एक का, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। वीडियो थोड़ी पब्लिंग कर रही है तो बात करना, तो बोला करो ना, भाई साहब आवाज जली जाती तुम्हारी। मैं समझ गया, मैं ना बताऊंगा तुम बोलो, तो भाग दिख रही हूं सब दिख रहा, ठीक है। तो हम इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, रेखा ब्रैकेट छोटी मझली बड़ी ऑफ भाग गुणा प्लस माइनस। देखो दोस्तों, मैंने कल बताया था, आज मैं फिर थोड़ा रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम आपकी नेट की आ रही है, वो थोड़ी सी आएगी जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे मैं आपसे फिर से रुखसत करता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1000 लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, ठीक है। और फिर हमारी जो बफरिंग हो रही है, वो कभी भी बफरिंग नहीं होगी, ठीक है। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है? नहीं, ये हमारे जो यूट्यूब का चैनल अभी है, वो अभी यूट्यूब ने पूरी तरह चालू नहीं किया है, ठीक है। हम जो चला रहे हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा चला लेते हैं, ठीक है। बाकी आप जल्दी से जल्दी 1000 लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए 1000 मोबाइलों में, ठीक है। और फिर हमारी देखना वीडियो बिल्कुल फ्री चलेगी, बिना बफरिंग के, ठीक। जल्दी से जल्दी जोड़ने की कोशिश करें, बढ़ते हैं हम आगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर छोटी, फिर मझली, फिर बड़ी, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो, पहला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, दो का 3/4 डिवाइड 3/4 प्लस 1/4 का मान कितना होगा। दो डिवाइड 3/4 माइनस 1/4 का मान कितना होगा। करिए दोस्तों, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, पहले सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर प्लस। तो का मतलब हो जाएगा हमारे कितना, 2 × 2 = 4, यानी ये हो गया आपका 3/2। इस भाग को चेंज करेंगे किसमें, गुणा में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4/3। जब भी भाग को गुणा में चेंज करते हैं, तो बाद वाली संख्या को क्या कर देते हैं, विपरीत कर लेते हैं। तो ये 3/4 अब कितना हो गया, 3/4 था, अब कितना हो गया 4/3। प्लस वाला ऐसे रहेगा दोस्तों, इससे ये कटा कितनी बार, 2, इससे ये कटा कितनी बार, 3। एलसीएम कितना ले लो, 4, यहाँ बचा 1, 4 × 2 = कितने हो गए 8, और 1 कितना हो गया 9। जी हाँ दोस्तों, आंसर कितना जाएगा, 9/4। किशनवीर 1/2 गलत है, सुभाष राइट, ये है रोहित कुमार, हेलो। अच्छा, बहुत लेट आए भाई रोहित कुमार जी, कहाँ थे अब तक, ठीक है। हमारी क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है मैथ की, उससे पहले बायोलॉजी की क्लास रहती है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आया करो 9 बजे से, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू रखिए क्लास को, ठीक। बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल मैं लिखता हूं,
ओके, घर पे हो? ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई भी करो। आगे मैं लिखता हूं, अगला सवाल कुछ इस तरह से है आपका। हिलाते क्या, चलने दो इसे, फ्लैश फ्लैश के चलने दो। हटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल इस तरह से अगला, 5/8 का 24 बराबर 15/7 गुणा एक्स। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, करो। सुभाष, ठीक है, क्यों आवाज साफ नहीं आ रही क्या? रवि, हाय सर, रवि बहुत लेट आए भाई तुम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोहित, कॉल करूंगा कल। ओके, सही, ठीक है, अभी पढ़ लो, ठीक है, बाद में कॉल करना। किशनवीर, 7, देखते हैं 7। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, पहले का को सॉल्व करना है। 8 तिया कितने हो गए, 24। 5 तिया कितने हो गए, 15। 15 से 15 कटा तो एक्स का मान कितना आ गया, 7। जी हाँ दोस्तों, सही है आंसर। किशनवीर, रवि, सुभाष, ठीक है, सभी के आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 7। आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, देखिए, 72/12 सवाल है आपका। 9-4-5 का मान ज्ञात कीजिए, 4-5 का मान ज्ञात कीजिए। 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, सॉल्व करिए इस सवाल को, कितना आंसर आएगा। ठीक है, किशनवीर, सुभाष, रवि, सुभाष का आंसर आया 2/3, रोहित 48, देखते हैं अभी। 2/3 48 गलत है, आगे सॉल्व कीजिए। देखो इधर मैं सॉल्व पढ़ता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सबसे पहले क्या सोल्व पढ़ते, रेखा ब्रेकेट। तो इसको मैंने सोल्व किया तो 5 में से 4 घटाए तो कितना बचा, -1, और माइनस ये ऑलरेडी है, तो ये हमारा हो गया 72/12, ये हो जाएगा 9+1। ठीक, 9 और 1 कितना हो गया, 10, तो ये हो जाएगा 72/9 और 1 10। 10 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 72/120। डिवाइड करो, 12 6 72, 12 2 120, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.6। किशनवीर, 3/2 सही है। ठीक, वरना हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी का एक सवाल और लेते हैं। सुभाष, 3/2 नहीं, गलत है, दोबारा सुनो इधर, ये आ गया 72/12, 9, इसको हमने सॉल्व किया, 5 में से 4 घटाए कितना बचा, 1, माइनस का 1, और माइनस कितना हो गया, प्लस का, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की गुणा करेंगे 12 से कितना हो जाएगा, 120। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3/6, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.6/पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया 3, ये कितना आएगा, 2 5 10, तो 3/ कितना आएगा, 5, ना कि 3/2। नहीं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे। पहले जो हमने मैंने नियम लिखवाया था, अभी कल भी लिखवाया था, आज फिर लिखवाया था, पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व पढ़ते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर वजली, फिर ऑफ, फिर गुणा, फिर भाग, और फिर माइनस। ठीक है, तो 72 को डिवाइड नहीं करेंगे रोहित,
बाद में डिवाइड करेंगे। अगर यही सवाल कुछ इस तरह से होता, जैसे मैं एक सवाल और लिखता हूं, लिखिए सवाल, बस इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं यहां पे गुणा का चिन्ह लगा दूं, किसका चिन्ह लगा दूं, गुणा का, तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, करिए 30 सेकंड में आपको देता हूं, करिए। सुभाष, किशनवीर, रोहित, चांदनी नानी, आज तो बहुत लेट आई तुम, ठीक है, हाँ काफी लेट हो गई, आधे घंटे के करीब। करिए इस सवाल को, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करो, दोस्तों से बोलो कि खेमपाल सर 9 बजे से स्टार्ट है। सुभाष, 72 / 120 गलत है। सुभाष, 60 आपका हो सकता है, ठीक। वीडियो को लाइक कोई नहीं कर रहा है, प्रेजेंट लगा दिया करो लाइक करके, ठीक है। अमन गौतम, राम राम जी, बहुत लेट आए अमन जी, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करो। रोहित, 60 सही है, देखो सॉल्व करते हैं, इसका आंसर 60 सही है, ये हो गया कितना, 72 / 12, ठीक, 12 गुणा इसका भी मैंने सॉल्व करा तो कितना आया, ब्रेकेट में 10। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 72 / 12 × 10। इसको हमने आप सॉल्व करेंगे तो अब क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब हो गया 12 × 72, 6 × 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, यही आपका क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा चेंज, ठीक, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इधर अगला सवाल कुछ इस तरह से है, 6 / 6 / 6 × 6 / 6 / 6 का मान कितना होगा, करिए सॉल्व 30 सेकंड का मैं। अच्छा, सर्च में नेटवर्क नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी दिक्कत है ये नेटवर्क की, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर दीजिए, किशनवीर, 60 हो गया, सही बात है, इसका आंसर कितना आया, छत्तीस, रोहित कुमार जी, 36 आंसर आपका गलत है। सुभाष, 1/36 राइट आंसर। रोहित जी, आपका आंसर गलत है। देखो इधर, इसमें हम क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड को हम जब सोल्व पढ़ते हैं तो डिवाइड का मान किस में चेंज हो जाएगा, 1/6 में। इसी प्रकार इस वाले डिवाइड का मान किस में हो जाएगा चेंज, 1/6। ये वाला गुणा सेम रहेगा, गुणा का गुणा रहेगा, तो ये वाला 6 भी सेम रहेगा। इस वाले डिवाइड को हमने चेंज किया तो कितना आ गया, 1/6। इस वाले गुणा को चेंज किया तो कितना आ गया, 1/6। देखो दोस्तों, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इस वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1/36 आपका क्या होगा, राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 1/36 इसका क्या होगा, राइट आंसर। देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते नेटवर्क में, ठीक है। सर बहुत कमजोर हूं मैथ में। अच्छा रोगोत्तम, क्लास डेली करो, ठीक है, टेबल याद कर लो, मैथ में सिखा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है। मैथ में, पूरी मैथ में ना कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक, ना कोई सूत्र, ना कुछ गुणा भाग ज्यादा लेंथी, बहुत सिंपल मैथ है, मगर थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक। तो दोबारा मैं इसको समझाता हूँ, 6 का 6 रहेगा, डिवाइड को गुणा में चेंज किया तो कितना आ गया, 1/6। इस वाली डिवाइड को चेंज किया तो कितना आ गया, 1/6। इस वाली गुणा को ऐसे रहने दो, इसका चेंज किया तो कितना आ गया, 1/6। इसका चेंज किया तो कितना आ गया, 1/6। देखो दोस्तों, मैं मिश्रण का चैप्टर की वीडियो ऑफलाइन डालूंगा, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिए, ठीक, और बफरिंग है ऑनलाइन की, तो ये आप थोड़ा हेल्प करिए, सब्सक्राइब 1000 कीजिए, ठीक है। फिर हम यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, नो बफरिंग के साथ।
अभी मैं समझता हूँ दिक्कत होगी नेटवर्क में, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं पूरी करने की, बाकी थोड़े से शेयर करो। अमन ठीक, थैंक्स, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगला सवाल कुछ इस तरह से है, जैसे 3 + 3 + 3 / 5 + 5 + 5 / 5 का मान कितना होगा, ठीक है। करिए दोस्तों, 30 सेकंड में आपको देता हूं, ठीक है, करो सॉल्व। कितना आया इसका आंसर, सुभाष 1 गलत है, किशनवीर 1 गलत है। देखो सर मैं सॉल्व करता हूं, देखो इसमें आप क्या सॉल्व करोगे, पहले पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब हो गया 3 और 3 6 और 3 कितना हो गया 9 9 / 3। इसमें आप क्या सोल्व करोगे, पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, तो 5 से 5 को काटा तो हमारा कितना बचा 5 + 5 + 1, 3 से 9 को काटा तो कितना आ गया 3, और 5 और 5 10 और 1 कितना हो गया 11। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर राइट आंसर कितना आएगा 3/11। सुभाष कुमार सही आंसर बाद में, पहले गलत दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा सवाल कुछ इस तरह से होगा, इसको मैं रब करता हूं। अगला सवाल आपका कुछ इस तरह से है, (995 = 995/999 का मान कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, 995 = 995/999 का मान कितना आ रहा है, सॉल्व करो, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करो, प्रेजेंट लगाओ, ठीक है, केवल लाइक का बटन दबाकर। कितना है आंसर, देखो अगर इसको हम डिटेल में करेंगे तो मेरे ये सवाल बड़ा हो जाएगा। डिटेल में आप क्या करोगे, डिटेल में, हाँ प्रमोद जी सही बात है, सही लाइक करो सभी, ठीक है। इसके इसके गुणा करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, और फिर इससे इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। आज के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस दो बातें लिखनी है, 1 2 3, यानी 9 बार 3 को लिख लो, 1 2 3, 3 बार 0 लगा लो, जितने 9 है उन्हें लिखेंगे, जितने 9 है उतने 0 लगाएंगे। दोबारा सुनो, जितने यहाँ पे 9 है उतने 9 लिखेंगे, जितने यहाँ 0 है उतने 0 लगाएंगे, और एक काम बस, दूसरा काम आपको ये करना है, इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 4 का, वह 4 इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया 10 6 9 9 8 9 9 4। ये क्या हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल, केवल दो काम करने हैं, जितने 9 9 है उतने लिखिए, जितने 9 है उतने 0 लगा दीजिए, जितना अंतर है उतना घटा दीजिए, आपका आंसर आया कितना 998 996। जी हाँ दोस्तों, यही आपका क्या होगा आंसर। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, अगर अभी नहीं ले रहे हैं तो आप वीडियो दोबारा देखिए ऑफलाइन, 10 मिनट के बाद हमारी, आधे घंटे के बाद वीडियो ऑफलाइन आपकी आ जाएगी यूट्यूब चैनल पर, तो ऑफलाइन दोबारा देखकर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, रजिस्टर बनाइए, पूरा नोट्स बना लो, ठीक। हाँ वीडियो को ऑफलाइन आप पढ़ गई तो पोस्ट कर करके दोबारा देखो, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके समझ में आएगी, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत लिया करो,
जिससे आप क्या हो जाओगे, निष्प्रिंट हो जाओगे, कहीं कहोगे कि आप बफरिंग कर रही है वीडियो, तो अभी लगातार देखो, फिर दोबारा डाउनलोड करके या फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो डाउनलोड हो जाए तो फिर दोबारा देखो, ठीक है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ये आपके कितने नाइन है, 1 2 3, तो इस वाले नाइन को पूरा लिख लेंगे, 1 2 3 9 आ गए, यहाँ जितने नाइन हो उतने जीरो लगा लो, 1 2 3 लगा लिए, इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का, 4 घटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखते हैं, इसी तरह का एक सवाल और, स्क्रीनशॉट अभी मतलब अभी तो केवल कॉपी पेन उठा के बैठो, ठीक है, करो सॉल्व और साथ साथ पढ़िए, बाद में वीडियो अपलोड हो जाए दोबारा देख सकते हो ऑफलाइन, ठीक है, बिना रुके देख लेना। हाँ प्रमोद जी सही बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम इसी तरह का एक सवाल और लिखते हैं, जैसे मैंने सवाल लिखा 99/93/99 × 99, ठीक। अब देखो या और इसमें थोड़ा चेंज कर लो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने का तरीका जो हमारा है वही रहेगा। सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नहीं अब तो सही चल रही है, आवाज भी आपको सही आ रही होगी, ठीक है, वीडियो भी साफ आ रही है, आप 720 की जगह, अगर जियो का मोबाइल है तो आपके थोड़े नेटवर्क दिक्कत आ रहे हैं, क्यों उनकी सिम के शाम को नेटवर्क कम आते हैं, ठीक है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रही है, ठीक। आगे देखते हैं इसको, कितने नाइन है, 2, तो 2 नाइन को लिखिए, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाइए, जितने यहाँ पे 9 है उनको लिखते हैं, जितने यहाँ पे 9 है उनको जीरो लगाते हैं, बस इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, 93 और 99 का अंतर कितना है, 6 का, 6 को माइनस करो, 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 10 में से 6 घटाए 4, 9 9 9 8 9, ये आपका क्या होगा आंसर। सुभाष सही आंसर है, चांदनी रानी गलत आंसर है, ठीक है। तो हमने देखा इसका कितने आ गए 99, इसके कितने आ गए 0 4 बार, इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का 6 का, 6 माइनस कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा चांदनी, फिर भी दोबारा आंसर आपका भी गलत है, ठीक है, रिपीट करके दोबारा चेक करो, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, किशनवीर गलत आंसर, आगे बढ़ते हैं, सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, 1/5 + 999 सही, 494/495 × 99, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, शायद मैं ये सवाल आपको करा चुका हूं, ठीक है, कल नहीं हुआ होगा तो मैं आज कराता हूं, ठीक है। देखो इधर, इन सवालों को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, वैसे अगर इसको करोगे तो आपको 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनकी शर्त एक दो शर्त होती है कि इस वाली संख्या से इसको भाग करें, इस वाली संख्या से इसको भाग करें, जैसे 99/495, तो हमारा काटने पर वही संख्या आनी चाहिए जो यहां पर हो, दूसरा इन दोनों संख्याओं में जो अंतर होना चाहिए वो अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का, जी हाँ दोस्तों दोनों शर्त आपकी सही है, तो हम इस संख्या में कुछ नहीं करते हैं, ठीक, क्या करते हैं इस वाले 9 को लिखते हैं कितनी बार, 2 बार, 1 2 3 जीरो लगाइए, यही आपका क्या होगा आंसर। चांदनी पीछे वाले एक सवाल का आंसर इतना नहीं था जितना बार आया, ठीक है, तो इस वाले का आंसर कितना आ गया 99,000। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, लाइक किसी के बहुत कम करते हैं, ठीक है, लाइक करने में क्या जाता है, बस बटन दबाओ लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, देखो आगे सवाल हमारा कुछ इस तरह से है,
अगला सवाल आपका ये है, वन माइनस वन बटे तीन, वन माइनस चार बटे तीन, वन माइनस पांच बटे तीन डैश डैश, वन माइनस वन बटे सौ का मान कितना होगा? करो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, 30 सेकंड में आपको देता हूं, करिए सवाल। देखो दोस्तों इसका मैं आंसर देता हूं, तीन में से एक घटाए तो कितना बचा? दो बटा तीन गुणा चार में से एक घटाए कितना बचा? तीन बटा चार गुणा पांच में से एक घटाए चार बटे पांच डैश डैश, सौ में से एक घटाए कितना बचा? 99/100। जी हाँ दोस्तों, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आगे वाले से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना? दो, और कितना बचा? ठीक, तो आपका बचा 2/1/100, 2 से ये 100 कैंसिल, आपका आंसर कितना बचा? 1/50। जी हाँ दोस्तों, यही आपका क्या होगा आंसर। प्रमोद जी आपके तो सारे आंसर सही आ रहे हैं, मेहनत करो, आंसर सबके सही आएंगे। सुभाष सही आंसर, ठीक है, 1/50। प्रमोद भी सही आंसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोबारा सुन लो, जब भी माइनस हो रहा है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा के लिखेंगे, अगर प्लस होता तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या जोड़ के लिखते। तो ये हो गया कितना? तीन में से एक घटाया 2/3, चार में से एक घटाया 3/4, पांच में से एक घटाया 4/5, इसी प्रकार 100 में से एक घटाया 99/100, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। पहला पद कितना बचा? 2, अंतिम पद कितना बचा? 100, यही आपका क्या होगा आंसर। लाइक करो भाई, शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों से बोलो, कैंपसर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश किया करो, और वीडियो को और ऑफलाइन पढ़ने के बाद देखो, स्क्रीनशॉट लो, रजिस्टर बनाओ, ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट में सवाल नंबर, पेज नंबर और किताब का नाम लिख के भेजा करो, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा इस सवाल का हल देने की, ठीक है। तो केवल दो बातें लिखनी है आपको, क्या क्या? एक किताब का नाम, किताब का नाम, पेज नंबर, और पेज नंबर पे सवाल नंबर। कोशिश करा करो जो चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर की आप प्रॉब्लम पूछें, ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मिल सकते हो। नहीं योगेश अपने घर पे है, किशनवीर, योगेश नहीं है यहां पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, 2-1/3, 2-3/5, 2-5/7 डैश डैश, 2-999/1000 का मान कितना होगा दोस्तों? करो, हाँ ऑफलाइन देखने के बाद वीडियो को एक बार जरूर करें, कॉपी बना ले, रजिस्टर बना ले, कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एडवांस की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी वीडियो मैं ऑफलाइन डालूंगा, ठीक है, तो दिन में आप ऑफलाइन वाली वीडियो भी देखते रहना और चैनल को देखते रहना, मैं वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। मिक्सर की वीडियो मैं आज 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद डाल दूंगा, मिक्सर का पार्ट 1 देखना उसे, ठीक है, बाकी मिक्सर का आगे का आगे डालता हूँ। तो इस सवाल को करिए, तो देखो इसमें क्या करना है, 3 दूनी कितने हो गए? 6, 6 में से 1 घटाए कितना बचा? 5/3, इसी प्रकार 5 दूनी 10 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 7/5, इसी प्रकार 7 दूनी 14 में से 5 घटाए तो कितने बचे? 9/7, इसी प्रकार 1000 दूनी कितने हो गए दोस्तों? 2000, और 2000 में से ये घटाया तो हमने देखा इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर चल रहा है, 2-2 का अंतर चल रहा है, तो घटाने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 1000, इसमें से 2 जोड़ लो तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1000 2/1000, ठीक। देखो 2 3 6 में से 1 घटाए कितना बचा? 5/2, इन संख्याओं में 2 का अंतर, इनमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, तो इसमें भी कितने का अंतर होना चाहिए? 2 को
पांच से पांच कटा, सात से सात कटा, नौ से नौ कटेगा, ठीक। आगे क्या कटेगा, यहाँ बचेगा एक हजार से कितना बचा, एक हजार बचा कितना, यहाँ से बचा आपका एक बट्टा तीन, यहाँ से आपका बचा कितना एक हजार दो, ये आ गया आपका एक हजार दो बटे तीन, कट जाएगा, कटेगा, काटो, तीन तिया नौ बचा कितना एक, तीन तिया नौ बचा कितना एक, तीन चौक बारह, तो आपका आंसर कितना आएगा 334, यही आपका क्या होगा आंसर। चांदनी गलत आंसर, ठीक है, 332 सुभाष गलत आंसर, आंसर कितना आएगा 334, दोबारा चेक करो, तीन दूनी छह में से एक घटाए कितना गया पांच बटा तीन, हमने देखा दो का अंतर, तो यहां भी कितने का होगा पांच और दो कितने हो गए सात, यहां भी कितना होगा नौ बट्टा सात, ये कितना होगा एक हजार दो बट्टा एक हजार, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना एक हजार दो बट्टे एक हजार तीन, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 334। रवि थैंक यू, बहुत लेट आ रहे हो रवि, हाँ जल्दी करोगे तो सवाल आपका गलत भी हो सकता है, मैं तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो फिर भी प्रमोद कह रहे हैं जल्दी मत करो, दोबारा सुनो भाई जल्दी मत करो, दो तिया छह में से एक घटाए कितना आ गया पांच बटे तीन, इनमें अंतर कितने का दो का, तो आगे भी दो दूर से चले जाओ, पांच में दो जोड़ा सात, सात में दो जोड़ा तो नौ, इसी प्रकार एक हजार में दो जोड़ा तो कितना हो गया एक हजार दो, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, नौ से ये आगे वाला संख्या कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना एक हजार दो बटे तीन, ये हमने डिवाइड करा, हमने चेक कर लिया दो और एक कितना हो गया तीन, अंकों का योग तीन से कट रहा है तो दी गई संख्या तीन से डिवाइड होगी, तो ये हमने काटा तो कितना आ गया 334, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। आगे लिखते हैं एक सवाल और इसी का, ये मैं थोड़ा रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है, वीडियो ऑफलाइन पड़ जाए तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना, रजिस्टर बनाना, ठीक, अभी केवल पढ़ते चले जाओ, बस कॉपी पेन उठा के सवाल के आंसर दिया करो, ठीक है, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप, लिखते रहते हो, वेरी गुड, ओके सर, तो सवाल पे ध्यान करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे मैंने अगला सवाल दिया आपको कुछ इस तरह से, एक बट्टा दो, एक बट्टा छ, एक बट्टा बारह, एक बट्टा बीस, डैश 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 वन बटा एन प्लस वन का मान कितना होगा, जी हाँ दोस्तों का मान क्या होगा, एक बट्टा दो, एक बट्टा छ, एक बट्टा बारह, एक बट्टा बीस, डैश डैश वन बटे एन माइनस वन का मान कितना होगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, 30 सेकंड में तो आपको दे रहा हूं, ठीक है। सुभाष ये फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो इधर, इसके हम फैक्टर करते हैं तो इनका अंतर हमेशा कितने आना चाहिए एक का, देखो दो में से एक घटाए कितना आया एक, इसी प्रकार इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे दो तीन छह, तीन में से दो घटाए कितना आ गया एक, इसी प्रकार इसके फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा तीन चौक बारह, इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा चार और पांच, इसी प्रकार इसके फैक्टर आपको करेंगे तो ये कितना जाएगा एन एन माइनस वन, एन माइनस वन। अब देखो दोस्तों, लाइक और शेयर पे ध्यान दो, लाइक और शेयर से ज्यादा रवि कुमार पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई मेन है, लाइक और शेयर तो सेकंडों का काम है, ठीक है, वो तो होता ही रहेगा, पढ़ाई भी पे ध्यान दो, ठीक है। देखो दर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई वन माइनस वन बाई टू, अगर आप एलसीएम लोगे दो तो दो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया वन माइनस वन यानी एक बट्टा दो। अब देखो दोस्तों, एक बट्टे दो को वन बटे दो माइनस वन बटे दो लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार मैं इसको लिखता चला जा रहा हूं, छोटी वाली संख्या प्लस में लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या माइनस में लिखेंगे, इसी प्रकार इसको छोटी वाली प्लस बड़ी वाली माइनस, इसी प्रकार इसको छोटी वाली प्लस बड़ी वाली माइनस, इसी प्रकार इसको छोटी वाली प्लस बड़ी वाली
माइनस। जी हाँ दोस्तों, देखो सब कुछ कट जाएगा, एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा चार, एन से एन कटा, बचा कितना, वन माइनस वन बटे एन प्लस वन। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम कितना ले लो, एन प्लस वन, तो यहां से आ गया एन प्लस वन, इसकी गुणा इसमें की, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का वन, वन से वन कटा, आंसर कितना आ जाएगा, एन बटा एन प्लस वन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो इनके हमेशा ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिनका अंतर कितना आना चाहिए, एक का, तो ये आ गया दो माइनस वन, एक, दो तिया छह, एक, तीन चौक बारह, एक, पांच चौक बीस, एक। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को माइनस में लिखते हैं, बड़ी वाली संख्या बाद में माइनस में, छोटी वाली संख्या प्लस में, बड़ी वाली संख्या माइनस, छोटी वाली संख्या प्लस, बड़ी वाली संख्या माइनस। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, पहला पद और अंतिम पद, दो पद रह गए, दोनों को सॉल्व कर लो, आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल करते हैं। आज का लास्ट सवाल कुछ इस तरह से है, बढ़िया सवाल है। 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर प्लस 1996 का स्क्वायर माइनस 1995 का स्क्वायर, ठीक, और का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज का लास्ट सवाल करते हैं। देखो इधर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि जितनी भी संख्या आ गई, जितनी भी संख्या आ गई, एक, दो, तीन, चार, तो चारों संख्याओं को हमें जोड़ना है, चारों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चारों संख्याओं को जोड़ लो, तो इनको हमने जोड़ा तो ये हो गया क्या, 1998, 1997, 1996 और 1995 जोड़ लो, तो ये हो गया 8, 7, 15, 5, 20 और 6 कितने हो गए, 26, 9 चौक 36 और 2 कितने हो गए, 38, 9 चौक 36 और 3 कितने हो गए, 39 और ये कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7। जी हाँ दोस्तों, कुछ मत करो, जितनी भी संख्या आ रही है उन सभी संख्याओं को क्या कर लो, ऐड कर लो, बस ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमने जोड़ लिया, ठीक है, तो जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक, दो, तीन, चार, चार संख्या आ गई, चारों को ऐड कर लो, इसको ऐड करा 1998, इसको ऐड करा 1997, इसको ऐड करा 1996, इसको ऐड करा 1995, सभी को ऐड करो, क्या आ गया आंसर, कैसे, सुभाष सही, प्रमोद थैंक यू, चांदनी गुड, वेरी गुड चांदनी। ठीक है, तो इन सवालों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, सभी संख्या जितनी भी संख्या आई है उन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। आगे बढ़ते हैं, चलो एक सवाल और करते हैं, आज का लास्ट, आज का लास्ट कुछ इस तरह से सवाल आपका है, देखिए, वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन का मान कितना होगा। देखो दोबारा सवाल, वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन का मान कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट सवाल है ये, कल फिर 9 बजे से हम लाइव रहेंगे, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, लाइक करो। सुभाष सर थोड़ा सा पढ़ा दो, कल पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रमोद इतनी जल्दी, टाइम हो गया 10 का, ठीक है, बाकी कल पढ़ाते हैं 9 बजे से फिर पुनः, ठीक है, टाइम से आया करो, पढ़ाई सही होगी।
और कोशिश करो 1000 लाइक सब्सक्राइब पूरे करने की, जिससे हम बिल्कुल बिना वफरिंग के साथ अपना चैनल चालू कर सकें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर कितना आया? सुभाष 0 सही। और किसी का आंसर? रवि, राम राम करने की बहुत जल्दी है, सवाल नहीं करोगे, राम राम जरूर कर लो। ठीक है, चांदनी चलाते रहो। चलो इसका आंसर देखो क्या आया। वन में से वन घटाए तो कितना आ गया? 0। वन में से 0 घटाए तो कितना आएगा? 1। ये माइनस है तो हमारा संख्या किस में हो जाएगी? माइनस में। वन में से वन घटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो वन में से वन घटाए फिर कितना आया? 0। तो ये हमारा बचा कितना? ये पूरी संख्या कितनी हो गई हमारी? 0। पूरी संख्या का मान कितना हो गया? 0। तो ये वैल्यू जब 0 हो गई तो इसके बराबर 0 रख दो। ये कितना बचा? 1 - 0। जब 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और बाहर माइनस बैठा है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो बचा कितना हमारा? 0। यही आपका क्या होगा? आंसर। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लो। 1 में से 1 घटाया तो 0, बचा 1। 1 में से 0 घटाया तो 1, 1 में से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 0। और 0 1 में से घटाए फिर बचा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी कल 8 बजे से बायोलॉजी की क्लास होगी, 9 बजे से मैं फिर हाजिर रहूंगा। ठीक है, 9 से 10 टाइम से आया करो। ठीक है, बाकी वीडियो डाउनलोड आधे घंटे बाद हो जाएगी अपलोड। ठीक है, और आप इसको एक बार जरूर देखना, रजिस्टर बनाना। बाकी बात कल करते हैं। गुड नाइट दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।